हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिपजर शरबत अरजानी के बारे में, जिसका मुख्य यूज़ अस्थमा या किसी प्रकार के संक्रमण और एलर्जी को ठीक करने के लिए किया जाता है। इनके साथ इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिनके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। इसलिए संपूर्ण जानकारी लेने के लिए वीडियो को पूरा देखें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर देसी जड़ी बूटियां और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, शरबत अरजानी सिपजर कंपनी द्वारा बनाया जाता है, जो कि GMP और अन्य प्रमुख संस्थानों द्वारा प्रमाणित है और अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में लाती है। अगर फ़ायदों की बात करें तो सिपजर शरबत अरजानी सर्दी, जुकाम और खांसी में उपयोगी है। यह छाती पर जमा बलगम को बाहर निकालता है। सिपजर शरबत अरजानी छाती में पारीपन या जकड़न, अस्थमा और किसी प्रकार के संक्रमण या एलर्जी को ठीक करता है। सिपजर शरबत अरजानी का उपयोग बच्चों और बड़ों में कब्ज को दूर करने के लिए भी किया जाता है। यह आंतों के सूखापन, सूजन और अल्सर को भी ठीक करता है। सिपजर शरबत अरजानी नाक के रिसाव को समाप्त करता है और कफ को बाहर निकालने में मदद करता है। सिपजर शरबत अरजानी का इस्तेमाल सीधे फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए भी किया जाता है। यह पुरानी प्रतिरोधी फेफड़ों की बीमारियों के उपचार के रूप में भी काम करता है। सिपजर शरबत अरजानी सीने में दर्द या जलन का उपचार करता है और हृदय को मजबूती देता है। सिपजर शरबत अरजानी मल को ढीला करता है, जिससे कब्ज की समस्या दूर होती है और मल त्यागने में आसानी होती है। यह हर तरह से हानिरहित है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट यदि फिर भी आपको कोई साइड इफ़ेक्ट दिखे तो तुरंत ही इसे लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मिल लें। दोस्तों, अगर आप सिपजर शरबत अरजानी के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर डोज की बात करें तो 25 ml शरबत 125 ml बैद्यान अर्क में मिलाकर ले सकते हो, या फिर किसी वैद्य हकीम की सलाह से लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, सिपजर शरबत अरजानी को ख़रीदने के लिए स्क्रीन पे दिए गए पोर्टल्स में से किसी से भी खरीद सकते हो, क्योंकि यह सभी हमारे सेलिंग पार्टनर हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।